चक्री गेम चैलेंज। एक गांव में दीपू चुटकी नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, इसीलिए उनकी नानी जानकी मजदूरी का काम करते हुए दोनों बच्चों को पालती थी। दीपू चुटकी को बहुत प्यार से देखता था। एक दिन चुटकी आधी रात को नींद से जाकर भैया भैया उठो कहते हुए दीपू को नींद से जगाई। दीपू, चुटकी क्या टाइम हुआ है, अभी क्यों जगा रही हो? यूं कहा चुटकी, भैया उठो ना, हमारे पड़ोसी घर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, देखते हैं चलो। यूं बोली दीपू, क्या हमारे पड़ोसी घर में कुत्ता? तुम्हें शायद कोई सपना आया होगा, सुबह स्कूल जाना है, अब जाओ जाकर सो जाओ। यूं कहा चुटकी, नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, चलो देखते हैं। यूं बोली, इतने में यूं कुत्ते की रोने की आवाज आई। दीपू, तुम जो बोल रही हो वो सच है चुटकी, चलो देखते हैं। यूं कहा दोनों मिलकर जहाँ से वो कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी वहाँ गए। उनके घर के बगल में मौजूद वीरेश के घर पर एक छोटा कुत्ते का पिल्ला रस्सी से बांधा हुआ था। चुटकी, देखा भैया इतना प्यारा पप्पी को घर के बाहर ठंडी में रस्सी से बांध कर रख दिए, कम से कम उसे कुछ चादर भी नहीं दिए सोने के लिए, इसीलिए बेचारा रो रहा है, हम उसे अपने घर लेकर चलते हैं भैया। यूं बोली दीपू, बाप रे वीरेश अंकल को पता चला तो चुप नहीं रहेंगे, नानी को हम दोनों को महीनों तक कोसते रहेंगे, चलो चलते हैं। यूं कहा अगले दिन सुबह वो कुत्ता दीपू चुटकी के घर के आगे बैठा हुआ था। चुटकी थोड़ी देर उसके साथ खेली। दीपू, अब बस चुटकी, उसे वीरेश अंकल को देखकर आते हैं, वरना हम ही इसे लेकर आए हैं ऐसे सोचेंगे। यूं कहा फिर दोनों मिलकर कुत्ते को वीरेश के घर लेकर गए। वीरेश चुटकी के हाथों में कुत्ते को देखकर बिना दीपू चुटकी की बात सुने, सोचा ही था कि ये चोरी तुमने ही किया होगा, पहले ही सोचा था, रोज दो समय का खाना खाने की औकात नहीं है, लेकिन हमारे घर में पले हुए कुत्ते की चोरी करोगे। यूं कहा दीपू, हमने चोरी नहीं की अंकल, यही हमारे घर आया था, आपको वापस देने के लिए लेकर आए हैं। यूं कहा वीरेश, तुम्हें ही खाने की औकात नहीं है, इसे क्या खिलाओगे, इसलिए वापस देने लाए होंगे, फिर कभी तुम्हारे हाथों में उसको देखा तो अच्छा नहीं होगा। यूं कहा घर आकर चुटकी बहुत रोई। दीपू से, भैया थोड़ी देरी खेलकर वो पप्पी और मैं अच्छे फ्रेंड्स बन गए, मैं उसे रॉकी नाम भी रखी, हम उसे खाना नहीं खिला सकते कहकर वीरेश अंकल ने हमारा इतना अपमान किया, वीरेश अंकल रॉकी के लिए रात को सोने के लिए चादर भी नहीं देते, बेचारा वो रात भर रोते रहता है, आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, मेरा रॉकी मुझे चाहिए बस। यूं कहा दीपू अच्छे से सोचकर, वीरेश अंकल रोज मार्केट में चक्री गेम चलाते हैं, रॉकी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, तुम अगर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करोगी तो इस रविवार तक रॉकी अपना हो जाएगा, कहकर चुटकी से कुछ कहा। चुटकी खुशी से ताली बजाई, ठीक है भैया। यूं बोली उस दिन से दीपू कुछ रिंग लेकर एक बेंच पर अलग अलग वस्तु रख कर उन पर रिंग फेंकने का प्रैक्टिस किया। चुटकी जब भी वक्त मिलता वीरेश से छिपकर रॉकी के साथ खेलकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी। रविवार आ गया, दीपू चुटकी मार्केट जाकर वीरेश जहाँ चक्री गेम चलाता है वहाँ गए। वीरेश, आओ भाई आओ, इस बेंच पर किसी भी वस्तु पे रिंग फेंके और उस चीज को अपना बना ले, 100 रुपए में 3 रिंग, आओ भाई आओ अपनी किस्मत को आजमाओ। यूं कहा वहाँ टेबल पर अलग अलग वस्तु रखी हुई थी, आए हुए लोग खुशी से गेम खेलने लगे। छोटे छोटे वस्तु जीत रहे थे, सब जब इस पर ध्यान दे रहे थे तो चुटकी रॉकी की ओर एक बिस्किट फेंकी, रॉकी वो बिस्किट को खा गया। चुटकी चीजों से भरी बेंच तक बिस्किट्स डालने लगी, रॉकी आसानी से टेबल पर चढ़ पाए सोचकर वहाँ एक स्टूल डालकर चुपके से बिस्किट डालकर आ गई। रॉकी सारे बिस्किट खाते हुए सीधा टेबल पर आकर बैठ गया। दीपू वीरेश को 100 रुपए देकर 3 रिंग्स लिया, अपने घर पर जैसे प्रैक्टिस किया
वैसे तीनों रिंग जल्दी जल्दी रॉकी पर डाल दिया। आसपास मौजूद लोग तालियां बजाए। वीरेश रॉकी के ऊपर डाले रिंग को देखकर, ये धोखा है, ये टेबल पर कैसे आया? दीपू, टेबल पर जो भी है उस पर रिंग डालने से वो हमारा हो जाता है। यूं कहा था ना, ये टेबल पर है, मैं इस पर रिंग डाला इसलिए ये मेरा है, कहकर रॉकी को अपने हाथों में ले लिया। तब लोग भी, हाँ, रॉकी वो बच्चे का ही है, यूं पुकारे। वीरेश कुछ नहीं कर सका। चुटकी दीपू रॉकी को अपने घर लेकर गए और प्यार से उसकी देखभाल किए।